फिर से स्वागत है आपका। लंबे इंतजार और सरकार की चल रही तैयारियों के साथ बाबा भोले के जयकारों के बीच बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 5:35 पर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 5 से 6 हजार श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छह महीने बाद आखिरकार 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 5:35 पर आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। तड़के 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली को मंदिर में प्रवेश कराया गया। इसके बाद रावल और पुजारियों ने मंदिर में प्रवेश किया और धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया। गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना करने के दौरान रुद्राभिषेक, जलाभिषेक समेत सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराने के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। सनातन धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो मनुष्य इन चारों धामों की यात्रा कर ले उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्वानों की माने तो चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व पृथ्वी निर्माण से भी पूर्व का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के दर्शन कर भक्त जन पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। जो यात्रा प्रारंभ हो रहा है सोमंगल चार धाम यात्रा का, हम सबका एक ही एक मन में विश्वास प्रभु के प्रति और जो असंख्य भक्तगण अपने परिवार की सुख समृद्धि, भारत की सुख समृद्धि, देश में अभी तो विदेश से जो भी यात्रीगण आते हैं, मकसद यही है कि भगवान को एक होता ना कोई शुभ कार्य हो तो गुरु को मनाना, देवता को मनाना। हम अपनी आयोजक समिति द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी हमारी इस यात्रा में आ रहे हैं, जो भी परिवार से आ रहे हैं, सभी का यात्रा मंगलमय हो, उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं। कपाट खुलने के अवसर पर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने और पूरी केदार घाटी को हर हर महादेव, बम बम भोले और केदार बाबा के जयकारों से गुंजयमान कर दिया। ये मंदिर जो है 5120 वर्ष पुराना है। ये द्वापर युग के एंड में बना है। आज ये अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग की अवधि जो है 4,35,000 है और उसके बाद उसमें से 5120 वर्ष बीत चुके हैं। फिर उसके बाद सतयुग आएगा, फिर जिस प्रकार से तब कल्प होते हैं। तो ये मंदिर जो है 5100 वर्ष पुराना है। ये महाभारत के बाद जब जो है द्वापर के एंड में महाभारत हुआ, उसके बाद उनको पुत्र हत्या, गुरु हत्या लगी, उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। भगवान कृष्ण ने उनको कहा तुमने अपने भाइयों को मारा, गुरु जी को मारा, तो ये पाप तुमको जो है जब तुम हिमालय में जाओगे तब तुम्हारे पाप कटेंगे। क्षेत्र हरियाणा से सुबह कितने बजे लाइन लगे? 6:30 से 6:30 तक। केदारनाथ पहली बार आए? नहीं, 2013 से आ रहे हैं। उसमें भी त्रासदी में थे। त्रासदी में भी भगवान के साथ गहरी आस्था जुड़ी हुई है। पूरा है, हर बार ही आ रहे हैं, जब तक आशीर्वाद मिलेगा। तो ये होगा शाम को 5 बजे हमारा श्रृंगार दर्शन होगा, लेकिन आरती जब यहाँ पे सामने पे भैरव जी है, क्षेत्रपाल है, जब उनकी कपाट खुलेंगे तभी आरती यहाँ पे प्रारंभ होगी भगवान। केदारनाथ धाम के खुले कपाट सुबह 5:35 पर खुले कपाट। आर्मी बैंड के धुन पर लगे बाबा केदार के जयकारे। सैकड़ों की संख्या में बाबा केदार के भक्तों ने किए बाबा के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हुआ है मंदिर का कार्य। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद जहां श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर खुश नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल का कहना है कि प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। विधिवत रूप से कपाट खुल गए और कल शाम यहाँ पर लगभग 2,000 से 3,000 के बीच लोग मौजूद थे। आज भी दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी उत्सुकता के साथ लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। बिजली, पानी, शौचालय सभी पर काम हो रहा है और अधिकतर व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली है।
लोग ये चाहते हैं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और जो जो सुविधाएं हमने उन्हें पिछले साल उपलब्ध कराई थी वो सारी सुविधाएं इस बार उपलब्ध कराई। आज क्योंकि श्रद्धालु रात से यहाँ पे ठहरे होते हैं तो जो श्रद्धालु यहाँ ठहरे हैं उन लोग को हम पहले दर्शन करा रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु आज नीचे से आ रहे हैं उन सबको हम लोग लोकल उपलब्ध कराएंगे। हर साल की तरह इस बार भी सरकार द्वारा चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने भी यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के दावे कर रखे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार के ये दावे सही साबित होते हैं या फिर हर साल की तरह यात्रा मार्गों पर अव्यवस्था से यात्रियों को दो चार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। चारधाम यात्रा आज से शुरू हो गई है और चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचकर चारों धामों की यात्रा करते हैं, लेकिन इस साल भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बने रहे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पहले चरण में करीब 20 करोड़ की लागत से बना रहा आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का कार्य 2019 में पूरा होना था, लेकिन यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। 16 जून 2013 में केदारनाथ धाम में आई आपदा से केदारनाथ मंदिर को छोड़ पूरी केदार घाटी जमीन तोज हो गई थी और उसी आपदा में आदि गुरु शंकराचार्य की प्राचीन समाधि भी क्षतिग्रस्त होकर बह गई थी, जिसके बाद से आज भी गुरु शंकराचार्य के दुनिया भर में फैले अनुयायियों को समाधि स्थल के पुनर्निर्माण का इंतजार है। हालांकि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस साल भी यात्री आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन नहीं कर पाएंगे। में शंकराचार्य जी की मूर्ति और जहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित थी वो मंदिर, ये दोनों भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, बह गए थे। इसके उपरांत हम लोगों को उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता था कि कहाँ पर ये मूर्ति स्थापित थी। उस जगह पर अभी एक नया स्मारक बनाया जा रहा है और उसका काफ़ी डिटेल डिज़ाइन बना हुआ है, वो अभी स्वीकृत भी किया हुआ है। उसके संदर्भ में कार्य प्रारंभ किया गया है और क्राउड सोर्सिंग के अंतर्गत JSW इस पर कार्य कर रहा है। उसके गुणवत्ता के संदर्भ में जो कार्रवाई है वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि साल 2019 में चारधाम यात्रा के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के दर्शन श्रद्धालु कर पाएंगे, लेकिन अभी तक पुनर्निर्माण कार्य ही चल रहा है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को शंकराचार्य के दर्शन के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह की रिपोर्ट। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। जय हो शंकरा आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी।
भोलेनाथ के भक्तों के लिए आज बेहद खास दिन है, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ के मंदिर को बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है। कपाट खुलने के बाद से ही भोले बाबा के दरबार में दर्शन के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की कतारें लगना शुरू हो गई है। केदारनाथ के कपाट खुलने के पावन अवसर पर जहां व्यापारियों के चेहरे खिल गए हैं, तो इन मंदिरों के कपाट हर साल अक्टूबर नवम्बर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। तो वही शासन प्रशासन की कड़ी परीक्षा भी शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शासन प्रशासन कितने नंबर पाता है, ये तो बाद में ही पता लग पाएगा। जय हो शंकरा, शंकरा आदि देव शंकरा, शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। लंबे इंतजार और सरकार की चल रही तैयारियों के साथ बाबा भोले के जयकारों के बीच बाबा केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 5:35 पर भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। करीब 5,000 से 6,000 श्रद्धालु इस पावन पल के साक्षी बने। चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छह महीने बाद आखिरकार 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 5:35 पर आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए हैं। तड़के 4 बजे से ही मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली को मंदिर में प्रवेश कराया गया। इसके बाद रावल और पुजारियों ने मंदिर में प्रवेश किया और धार्मिक अनुष्ठान शुरू किया। गर्भगृह में विधिवत पूजा अर्चना करने के दौरान रुद्राभिषेक, जलाभिषेक समेत सभी धार्मिक अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराने के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए। सनातन धर्म के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो मनुष्य इन चारों धामों की यात्रा कर ले, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्वानों की माने तो चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व पृथ्वी निर्माण से भी पूर्व का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के दर्शन कर भक्त जन पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। जो यात्रा प्रारंभ हो रहा है सो मंगल चार धाम यात्रा का, हम सबका एक ही एक मन में विश्वास प्रभु के प्रति, और जो असंख्य भक्तगण अपने परिवार की सुख समृद्धि, भारत की सुख समृद्धि, देश में अभी तो विदेश से जो भी यात्रीगण आते हैं, मकसद यही है कि भगवान को एक होता ना, कोई शुभ कार्य हो तो गुरु को मनाना, देवता को मनाना। हम अपनी आयोजक समिति द्वारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो भी हमारी इस यात्रा में आ रहे हैं, जो भी परिवार से आ रहे हैं, सभी का यात्रा मंगलमय हो, उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर साल यहां पहुंचते हैं। कपाट खुलने के अवसर पर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने और पूरी केदार घाटी को हर हर महादेव, बम बम भोले और केदार बाबा के जयकारों से गुंजयमान कर दिया। ये मंदिर जो है 5,120 वर्ष पुराना है। ये द्वापर युग के एंड में बना है। आज ये अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग की अवधि जो है 4,35,000 है, और उसके बाद उसमें से 5,120 वर्ष बीत चुके हैं। फिर उसके बाद सतयुग आएगा, फिर त्रेतीस प्रकार से तब कल्प होते हैं। तो ये मंदिर जो है 5,100 वर्ष पुराना है। ये महाभारत के बाद जब जो है द्वापर के एंड में महाभारत हुआ, उसके बाद उनको गोत्र हत्या, गुरु हत्या लगी, उसके बाद वो लोग यहाँ पर आए। भगवान कृष्ण ने उनको कहा है तुमने अपने भाइयों को मारा, गुरु जी को मारा, तो ये पाप तुमको जो है जब तुम हिमालय में जाओगे तब तुम्हारे पाप कटेंगे। क्षेत्र हरियाणा से सुबह कितने बजे से लाइन में लगे? 6:30 से 6:30 तक। केदारनाथ पहली बार आए? नहीं, पिछले 2013 से आ रहे हैं। लगातार उसमें भी त्रासदी में थे। त्रासदी में भी भगवान के साथ गहरी आस्था जुड़ी हुई है। हो रहा है, हर बार ही आ रहे हैं, जब तक आशीर्वाद मिलेगा। तो ये होगा शाम को 5 बजे मेरा श्रृंगार दर्शन होगा, लेकिन आरती जब यहाँ पे सामने पे भैरव जी है, क्षेत्रपाल है, जब उनके कपाट खुलेंगे तभी आरती यहाँ पे प्रारंभ होगी। भगवान केदारनाथ धाम के खुले कपाट सुबह 5:35 पर खुले कपाट। आर्मी बैंड के धुन पर लगे बाबा केदार के जयकारे। सैकड़ों की संख्या में बाबा केदार के भक्तों ने किए बाबा के दर्शन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखरेख में हुआ है मंदिर का कार्य। केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद जहां श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं जिला प्रशासन भी इसको लेकर खुश नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल का कहना है कि प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। विधिवत रूप से कपाट खुल गए हैं और कल शाम यहाँ पर लगभग 2,000 से 3,000 के बीच लोग मौजूद थे। आज भी दर्शन के लिए श्रद्धालु काफी उत्सुकता के साथ लाइन में लगे हुए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं को सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं। बिजली, पानी, शौचालय सभी पर काम हो रहा है और अधिकतर व्यवस्थाएं हमने पूरी कर ली है। हम लोग ये चाहते हैं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और जो जो सुविधाएं हमने उन्हें पिछले साल उपलब्ध कराई थी वो सारी सुविधाएं इस बार उपलब्ध। तो आज क्योंकि श्रद्धालु रात से यहाँ पे ठहरे होते हैं, तो जो श्रद्धालु यहाँ ठहरे हैं उन लोग को हम पहले दर्शन करा रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु आज नीचे से आ रहे हैं उन सबको हम लोग लोकल उपलब्ध कराएंगे। हर साल की तरह इस बार भी सरकार द्वारा चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार ने भी यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के दावे कर रखे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार के ये दावे सही साबित होते हैं या फिर हर साल की तरह यात्रा मार्गों पर अव्यवस्था से यात्रियों को दो चार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। वहीं यहाँ पर वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस की।